यूपी के लेखपाल अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और आज उनके हड़ताल का चौथा दिन है। हड़ताल पर होने के चलते प्रदेश भर में 100 से ज्यादा लेखपालों पर गाज गिरी है। देखिए रिपोर्ट। धरने पर बैठे नारेबाजी करते ये लोग यूपी के लेखपाल हैं जो काम का छोड़कर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। वाहन भत्ता हमको महीने का 100 रुपया मिलता है, मात्र 30 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन, जिसमें हम 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक प्रति एक दिन मोटरसाइकिल चलाते हैं और हमको मात्र भत्ता सरकार के माध्यम से 30 रुपया 33 पैसा ही प्राप्त होगा। जिला प्रशासन ने हमारे 10 पदाधिकारियों को बर्खास्त किया है। प्रशासन चाहे बर्खास्त कर दे, चाहे निलंबन कर दे, चाहे FIR करा दे, कुछ भी करा दे, जब तक हमारी 8 सूत्रीय मांग पत्र हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। यहाँ पे हम जो है धरना दे रहेंगे, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। कल पुलिस आई थी हमको अरेस्ट करने के लिए, आज भी पुलिस हमारे सामने बैठी है। अगर हमारी अरेस्टिंग होती है तो हम शहर से जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाती, सरकार हमारी मांग पर शासनादेश जारी नहीं करती, तब तक निश्चित मान लीजिए जनपद कौशाम्बी का लेखपाल आंदोलित रहेगा और इसी जगह पर धरना देगा। आइए जानते हैं क्या है इनकी 8 मांगे। वेतन और पेंशन की अनियमितता को दूर किया जाए, प्रोन्नति कैडर रिव्यू हो, भत्तों को बढ़ाया जाए, ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत रोजाना प्रति आवेदन 5 रुपए उपलब्ध कराए जाएं, राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2018 को भी लागू किया जाए, लैपटॉप स्मार्टफोन के डेटा चार्ज हो, राजस्व टास्क फोर्स का गठन किया जाए, बेसिक सुविधा और संसाधन दिए जाएं। हड़ताल कर रहे लेखपालों को प्रशासन की ओर से चेताया गया है कि वो हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आए। आपकी हड़ताल शासन ने निषिद्ध घोषित कर दी है, आप तत्काल धरना खत्म कर दें। तत्काल धरना खत्म कर दें, आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, अन्यथा फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उन पर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा लेखपालों को निलंबित भी कर दिया है। वहीं 300 से ज्यादा लेखपालों को नोटिस जारी किया गया है। 23,000 लेखपालों को नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी कर दिया गया है। 10 दिसंबर से लेखपाल सब हड़ताल में चले गए हैं। उनको कई बार बुला करके उनके नेताओं को, उनके जिलाध्यक्ष को, उनके मंत्री को, सबको बुला करके समझाया गया कि भाई ये सरकार का काम है, ये आप काम करते रहिए। अरे काम करने, ये तो सरकार का आदेश है काम करने का, उसकी तनख्वाह पा रहे हैं तो काम करिए। अगर आप हड़ताल पर जाएंगे, काम नहीं करेंगे, लोग काम प्रभावित हो रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि किस जिले में कितने लेखपालों पर ये कार्रवाई हुई है। मैनपुरी 5 लेखपालों के खिलाफ नाम दर्ज FIR, 100 अज्ञात लेखपालों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। सीतापुर जिलाध्यक्ष सहित 4 लेखपालों को यहां भी निलंबित कर दिया गया। जौनपुर 14 लेखपाल निलंबित, 340 लेखपालों को नोटिस जारी, 663 लेखपालों के खिलाफ नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरदोई यहां 12 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया, 394 लेखपालों को नो वर्क नो पे का नोटिस जारी किया गया। बदायूं 10 लेखपालों की सेवाएं खत्म कर दी गईं। जहां लेखपालों की हड़ताल को लेकर राजनीति भी हो रही है, बदायूं में हड़ताल कर रहे लेखपालों को सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का साथ मिला। उन्होंने धरना स्थल पर जाकर समर्थन दिया। लेखपाल लोग 12 लेखपाल आपके कल ही डेट में बर्खास्त किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे। हड़ताल क्या कोई गैरकानूनी चीज़ है? ये तो हमें बापू ने आज़ादी के समय से अमर अनशन से लेकर हड़ताल तक का रास्ता दिखाया था, उन्हीं बापू के सपनों का ये देश। लेकिन ये गॉडसे को मानने वाले लोग हड़ताल करने वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं, बजाय हड़ताल की कार्रवाई के इनको बुलाते, इनकी जायज़ मांगों को मानते, नाजायज होती तो इनको समझाते, रास्ता तो ये था।
इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद यूपी लेखपाल संघ अड़ियल रुख अपनाए हुए है। यूपी के सभी जिलों में उनकी हड़ताल जारी है। लेखपालों की हड़ताल की वजह से तहसील में कामकाज पूरी तरह से लगभग ठप सा हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।